creation de kindness. Thank you, Avais, इस मौके के लिए, आप सबके लिए. सोशल फोरम प्रोसेस में मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सोशल आपने बोला ना सोशल फोरम प्रोसेस में 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ. मेरे लिए पहला सोशल फोरम था, तो साउथ एशिया एशिया डब्ल्यूएसएफ जिसकी बात करें पहला सोशल फोरम था और बहुत अच्छा लगा. विपिन की वजह से मैं इस फोरम प्रोसेस में जुड़ा हुआ. इन्होंने कहा कि तुम इसमें आ सकते हो और थैंक यू विपिन फॉर दैट. नहीं, ईमानदारी से मैं बोलना चाहता हूँ इस बारे में. मेरे सारे साथियों ने सारी बातें कही हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक ही बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ. लेकिन सबसे बड़ी एक अद्भुत बात वहाँ पे ये रही कि हर रंग के हर धर्म के और इतना डाइवर्स ग्रुप देखने को मिला. मतलब मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था ये देख करके. चाहे वो फर्स्ट डे का ओपन मार्च हो वहाँ पे सड़कों पे 12 म्यूजियम के पास में, या फिर क्लोजिंग मार्च हो, और जो सॉलिडारिटी थी और जो डाइवर्सिटी थी वो बिल्कुल अद्भुत था. मतलब मुझे लगता है कि अभी उस हैंगओवर से बाहर निकलने में मुझे महीने लग जाएंगे उस अद्भुत नहीं ईमानदारी से उस बात कर कहना चाहता हूँ इस बारे में. मुझे लगता है कि कुछ मोटी मोटी चीजें थी, जैसे विपिन बता रहे थे कि हम लोग अलग अलग थीम पर थे, तो मैं मजदूरों के मुद्दों पे गया, काफी सारे सेशंस को अटेंड किया और वहाँ पे समझने की कोशिश की यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, उस पर हम क्या लेके जा सकते हैं. तो सर कह रहे थे यहाँ पे कि हम वापस क्या लेके आएंगे, साउथ एशिया प्रोसेस को कैसे मालूम. मुझे लगता है ये कुछ कोर आइडियाज हैं, कुछ कोर मुद्दे हैं कि हमको दक्षिण एशिया में कैसे इस फोरम को मजबूत करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और तभी मुझे लगता है कि ऐसे फोरम्स को हम आगे लेके जा सकते हैं, उसका एक अलग सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसका कुछ अलग महत्वपूर्ण हो सकता है. दो तीन चीजें देखने को मुझे मिली कि वहाँ पे जिस तरीके से ट्रेड यूनियंस, जैसे यूजीटीटी करके वहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है, जो वहाँ का जो सबसे बड़ा यूनियन है, क्या उनका पावर था. मतलब जिस तरीके से उनका यूथ के साथ, स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट मूवमेंट के साथ उनका जो कोलैबोरेशन था और जो उनका मोबिलाइजेशन था, वो एक बहुत बहुत अद्भुत था. वो भी देखने को मिला किस तरीके से वो सरकार के साथ में जो नेगोशिएट कर रहे हैं, चाहे वो ओपन ट्रेड का मुद्दा हो, चाहे वो जॉब का मुद्दा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो. तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत ही अलग माहौल था. जो कुछ चीज समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से वहाँ का यूथ का जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो बहुत अलग है. मतलब अगर मैं कंपैरिजन कर रहा था अपने देश के मुकाबले में, तो एक मेरे ख्याल से अलग मुझे देखने को मिला. लेकिन समस्या है, अरब स्प्रिंग के बाद में जिस तरीके से वहाँ पे नौकरी की दिक्कत है, जॉबलेस ग्रोथ है वहाँ पे, यूथ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं अब क्या करना है, कैसे करना है, वो मेरे ख्याल से बड़े मुद्दे हैं. मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी इस्लामिक स्टेट में जो रिक्रूटमेंट है वो सबसे ज्यादा ट्यूनिशियस है, तो ये एक अलग उदाहरण है ये. और जो फोरम के शुरू होने के एक हफ्ते पहले जो वहाँ अटैक हुआ, जो उसमें से एक जो यूथ हमारा, उसके बारे में जब उसके घर पे जब जांच की गई, तो उसके घर से 30,000 दिनार मिला, जो बहुत बड़ी मुद्रा है. तो समझ में आ रहा था किस तरीके से जो यूथ जो जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, कुछ जो फेनाटिक फोर्सेज हैं, जो बेसिकली जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं, किस तरीके से उनका दुरुपयोग करें, वो समझ में आ रहा था चीजों को देख करके. मुझे लगता है 2 मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं क्या लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे भी फॉरवर्ड में, और कैसे हम एक कलेक्टिवली उस चीजों को मजबूत कर सकते हैं. एक प्रोसेस से मैं जुड़ा हुआ था पहले भी, और उस प्रोसेस और वहां जाकर के मैं उन प्रोसेस से और जुड़ने का मौका मिला साथियों के साथ में. यूनाइटेड नेशंस में 24 जून 2014 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ, और रेजोल्यूशन ये कहता है कि किस तरीके से कॉर्पोरेशंस या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जिस तरीके से बिजनेसेस कर रहे हैं, बहुत सारे जो ग्लोबल नॉर्थ में जो कंपनीज जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस कंज्यूमर सब यहाँ पे दक्षिण एशिया में है या फिर ग्लोबल साउथ में है, और कैसे उन बिजनेसेस में कैसे इस चीज की अकाउंटेबिलिटी उनकी हम तय कर सकते हैं कि वहाँ पे वर्कर्स का राइट्स का वायलेशन ना हो, उनके ह्यूमन राइट्स के हितों का सम्मान होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, 13 वोट मिले हैं और 7 अगेंस्ट में मिले, तो वो रेजोल्यूशन पास हो गया. इंटर गवर्नमेंटल ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, जिसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया हुआ है, तो उस प्रोसेस में पहले से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां जाने का मुझे जो मौका मिला. अब उसकी अगली जो बैठक हो रही है वो अगस्त में हो रही है जिनेवा में, तो उस ग्रुप में समझने का ये मुझे मौका मिला कि कैसे जो इंडियन सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर एक प्रेशर ग्रुप बन सकता है, उस ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है.
तो मैं वो सर्कुलेट कर सकता हूँ वैसे अगर आप चाहेंगे तो उसमें। और उसमें बातें ये हो रही है कि जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्पेशली वर्कर्स के मुद्दे पे, कि वर्कर्स का सोशल प्रोटेक्शन, वर्कर्स की मजदूरी और क्या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया वहां पे और वो बस कर रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो वो मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा था वहां पे जिस तरीके से पलायन है दक्षिण एशिया से मजदूरों का। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे काफला सिस्टम है पूरे मिडिल ईस्ट में, और काफला सिस्टम में जिस तरीके से घरेलू मजदूरों का या फिर कंस्ट्रक्शन मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, उनकी क्या हालत है, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत वो चिंता का विषय है। और पहली बार जो पूरे सिस्टम के अंदर वो लोग जाते हैं मजदूर, उसको काफला सिस्टम बोलते हैं। तो काफला सिस्टम को अबॉलिशन की बात हो रही है वहां पे, और लेबनान एक पहला देश है जहां पे काफला सिस्टम को अबॉलिश करके डोमेस्टिक वर्कर्स का पहला यूनियन बनाने की कोशिश की गई है। उसी तरीके से जो बाकी देश है जैसे कतार है, चाहे कुवैत है, चाहे बाकी जो देश है, वहां पे कैसे इस काफला सिस्टम को अबॉलिश करके वर्कर्स के राइट्स को और वहां के डोमेस्टिक लॉ के साथ इंटीग्रेट किया है, बिकॉज ये एक बड़ा मुद्दा है। उदाहरण के तौर पे फिलीपींस एक ऐसा पहला देश है जिन्होंने अभी कतर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि अगर आप हमारे यहाँ के जो मजदूरों को अगर आप बुलाएंगे तो हमारे मिनिमम वेजेस के जो बेसिकली जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा चीजों को। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ क्षेत्र है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट वहां पे नेगोशिएट कर सकता है वहां पे, अगर हमारे ऐसे मजदूर जा रहे हैं जो हम वापस लेकर के आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप और ये दो काफला सिस्टम, इन दो मुद्दों पर मैं बात किया और काफी सारी सॉलिडारिटी हमने बनाई। और मुझे लगता है कि इन दोनों मुद्दों पर हमें, क्योंकि अगस्त में जो मीटिंग जो मैंने बात की जिनेवा में, और दूसरा जो है अभी जो प्रोसेस शुरू हुआ लेबनान में और बाकी राष्ट्रों में जहां पे हम संधि कर सकते हैं, तो इन दोनों प्रोसेस को हम साउथ एशिया में उनको मजबूत कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत छोटे में मेरा ये थोड़ा सा ये अनुभव है। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बड़े भाई आरिफ उमर खान जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच ओम थानवी जी आए हैं, और ओम थानवी जी जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट थिंकर हैं, और आप जानते ही होंगे कि वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात बिल्कुल निर्भीकता से रखते हैं। और मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि वो अभी तुनिस से लौटे हैं तो अपनी बात हम सबसे शेयर भी करें। हाल ही में एक बड़ा पुरस्कार मिला राजस्थान साहित्य अकादमी का, इसकी जानकारी उनके आने के साथ साथ मुझे अभी किसी ने फोन पे दी है, तो उसकी तफसील हमको नहीं मालूम है। तो मुबारक के साथ साथ उस पुरस्कार के बारे में भी हमें बताया। हम सभी की ओर से बहुत बहुत उनको बधाई। और बस इंतजाम के बारे में बस ये कि ओम थानवी जी की बातचीत के बाद, अपने अनुभव साझा करने के बाद और मुबारकबाद वाली खबर के बाद हम चाय के लिए जाएंगे, और चाय के बाद हम कोशिश करें जितनी जल्दी हम वापस आ सकें, वापस आएँ 6:10 तक, 6 बजे तक आ जाएँ वापस, और उसके बाद हम शुरुआत करें। आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, उनसे बातचीत शुरू करेंगे, उसके बाद शैल, प्रोफेसर शैल और लोग फिर बात करेंगे। धन्यवाद। एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं किसी भी विषय पर बोल सकता हूँ।